Hi, this is Azika Daniel and you're watching me on Fuchsia Maxi. Hey guys, Assalamualaikum, this is Rabia Mughni और इस वक्त हम कहाँ हैं? हम हैं डंक के सेट पर. Yes, आप सब लोग जो बार बार हमें मैसेज कर रहे थे कि डंक के सेट पे जाएं, डंक के सेट पे जाएं, तो फाइनली हम यहाँ पे हैं. और हमारे साथ कौन है? द लवली अजीका. क्या हाल है अजीका? बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार. शुक्र कर रही हूँ कि थोड़ा बारिशें रुकी हैं और क्वारंटीन का थोड़ा सा लॉकडाउन का असर ख़त्म हो रहा है कि हम सब जिंदगियों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं. कोरोना गया नहीं है. स्टिल नीड टू टेक प्रिकॉशंस. अभी हम सब लोग मास्क में फिर रहे थे, बार बार सैनिटाइज कर रहे थे ये सब लोग भी. सो प्लीज़ आप लोग भी इसको करें. यार इतना वेट लॉस, हाउ इज़ दैट हैपनिंग? क्या हुआ है? I worked out during the quarantine. That's all that I did. I think हम सब खा रहे थे और अजीका छोड़ रही थी खाना. मैंने अपनी Insta Live में बोला था कि you know what, I'm gonna transform myself and you're gonna see a new Azika after the quarantine. And I guess I've done it because everyone I'm meeting these days is saying the same thing that you lost a lot of weight. खुद को नहीं पता चलता. नहीं पता चलता. But कोई आपसे थोड़े से अरसे बाद मिले तो उन्हें पता होता है. Like you're seeing me after a while. Yes, yes. तो क्या सिर्फ डाइट की, एक्सरसाइज भी था? क्या था? नहीं, मैंने वर्कआउट्स किए हैं, लाइक प्रॉपर वेट ट्रेनिंग. एंड डाइट, व्हेन यू वेट ट्रेनिंग तो आप कर नहीं सकते हो, यू एंड अप ईटिंग मोर. यस यस. सो डंक, क्या प्रोजेक्ट है यार? इट्स विदाउट गिविंग अस द स्टोरी, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें या कुछ कि व्हाट इज इट अबाउट, सेंट्रल थीम क्या है? आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट डंक. इट्स डिफरेंट. Okay. It's a new topic, nothing that you've seen before on television. Okay. So इस तरह के जब टॉपिक्स होते हैं और वो यही टीम इतने रिस्की रिस्की प्रोजेक्ट्स उठाती है, सो इट गेट्स मी ऑल एक्साइटेड. और मैं काफ़ी चीख की कास्ट में काफ़ी लोगों को देख रही हूँ, तो तुम लोगों की तो काफ़ी गप्पे लग रही होंगी. Exactly, मज़ा आ रहा होगा. वही वाली टीम है. हाँ. सारे वही लोग हैं, एक्टर्स भी काफ़ी सारी वही हैं. तो इट्स बिलाल एंड यू आर बैक. बिलाल अगेन आर बैक. एंड उस्मान सरदार, ही इज प्लेइंग आवर फ्रेंड अगेन. ओके ओके. तो इस के बारे में जो हमने जितना बना सुना है, लग रहा है कि कंट्रोवर्सीज काफ़ी होंगी आगे जाके. आर यू, आप लोगों पे आर यू रेडी फॉर द डिबेट्स ऑन सोशल मीडिया? या श्योर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ब्रिंगिंग अ न्यू टॉपिक, समथिंग दैट पीपल हैवंट सीन बिफोर. हम लोगों का बहुत ये अजीब सा माइंडसेट है कुछ लोगों का कि हम लोग सास बहू एंड फैमिली पॉलिटिक्स ही देखना चाहते हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस. बट आई डोंट अग्री विद दैट. ओके. आई थिंक डिफरेंट टॉपिक्स उठाने चाहिए और उन पर काम करना चाहिए. एंड पीपल शुड बी रेडी टू टेक रिस्क. हम जैसे एक्टर्स भी रेडी हैं टू डू रिस्की प्रोजेक्ट्स. इट्स ऑल राइट, वी कैन टेक ऑन द सोशल मीडिया डिबेट्स एंड एवरीथिंग. तो वील बी कॉन्टैक्ट. एक दफ़ा डंक चलना शुरू हो जाए फिर हम अजीका को दोबारा बुलाएंगे डिटेल में. फिर हम तब जब डेफिनेटली कैरेक्टर का ज़्यादा पता चल जाएगा, स्टोरी का ज़्यादा पता चल जाएगा. अच्छा मुझे बताओ दैट इट्स अबाउट हरासमेंट, जो बदर साहब और मोहसिन से हमारी बात हुई जब वो कर रहे थे. सो डू यू फील, अभी रिसेंटली भी काफ़ी इंसिडेंट्स हमारी सोसाइटी में ऐसे हुए जिनकी वजह से भी इट्स इम्पॉर्टेंट कि इस टॉपिक पर बात की जाए. तुम्हें कोई प्रेशर फील हो रहा था ये करते हुए? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस कैरेक्टर? क्या था दिमाग में? नॉट एट ऑल. वाई शुड आई फील एनी प्रेशर अबाउट डूइंग दिस प्रोजेक्ट और वर्किंग ऑन सच अ टॉपिक? आई थिंक इस तरह के टॉपिक्स उठा के उन पर काम करना चाहिए. नॉट ओनली दे ब्रिंग अवेयरनेस, एक अच्छा मैसेज भी छोड़ते हैं फॉर आवर ऑडियंसेस. बिल्कुल. बट चीख की लाइन पर ही हम कुछ देखेंगे या क्या होगा? इट्स गोना बी डिफरेंट देन चीख. इट्स वेरी, इट्स मोर इंटेंस देन चीख. I believe so. You believe yes. so? Okay. सो नहीं, चीख इतना इंटेंस था तो अगर ये चीख से ज़्यादा इंटेंस है तो मुझे अभी से एक्साइटमेंट हो रही है सोच के कि आगे जाके क्या होना है, क्या होना. हाउ इज़ इट वर्किंग विद सना? यू एंड सना आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम? यस, वी आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम. एट द बिगिनिंग ऑफ माई करियर आई हैड डन अ कमर्शियल विद सना. वी वेंट टू बैंकॉक एंड देयर वी स्पेंड लाइक अ वीक टुगेदर. सो या शी इज़ अ प्रीटी नाइस पर्सन. उस वक्त भी अच्छी दोस्ती वोस्ती होगी, बट इतने अरसे बाद हम लोगों ने दोबारा काम किया साथ. इट्स लवली वर्किंग विद हिम. और बिलाल के साथ तो आप ऑलरेडी पहले काम कर चुकी हैं. बिल्कुल. मुझे ये बताएं बदर साहब के साथ, दिस इज योर थर्ड प्रोजेक्ट. यस, दिस इज योर थर्ड प्रोजेक्ट. तो मुझे ये बताएं, बदर साहब ने कॉल किया तो बस आपने कहा अब ये करना ही करना है, या स्क्रिप्ट भी ऐसा था कि यू सेड के? मुझे पता था वो स्क्रिप्ट तो इनका अच्छा ही होगा. ओके. फिर सेकेंडली मोहसिन अली ने लिखा है. हाँ, हाँ. तो आई नहीं हूँ कि ये कोई
ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बोलूँ कि स्क्रिप्ट पढ़ूंगी तो डिसाइड करूँगी. व्हेन ही पिच्ड मी द कैरेक्टर एंड ही टोल्ड मी द स्टोरी आई वाज लाइक आई एम इन. ओके. वरना स्क्रिप्ट पढ़े बगैर मैं नहीं हाँ करती, क्योंकि प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स वगैरह वो आपको इस तरह से स्टोरी ब्रीफ करते हैं कि आपको लगता है अच्छा मेरा ही कैरेक्टर सब कुछ कर रहा है एंड आप विदाउट स्क्रिप्ट पढ़े कुछ भी साइन नहीं कर सकते. बट दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स व्हिच आई सेड यस without even reading the script. Okay. अब पूरा ड्रामा लिख लिया गया, you have the whole of the script या अभी भी लिखा जा रहा है? अब पूरा लिखा गया. क्योंकि आजकल ये बहुत हो गया है ना कि ड्रामा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, आधा ड्रामा होता है, फिर भी लिखा हुआ पूरा नहीं होता है. बिल्कुल. और फिर कभी कभी सरप्राइजेज मिलते हैं एक्टर्स. जब हम लोग टंग के शूट पे गए थे आई थिंक उस वक्त हमारे पास 8 या 9 एपिसोड्स थी. ओके. यस. बट वी न्यू व्हाट वाज गोना हैपन, व्हाट वाज गोना स्टोरी डेवलपमेंट क्या होगी प्लॉट में. डू यू फील अजीका कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होना शुरू हो गया एक्टर्स और स्टोरीज के बारे में, और डू यू फाइंड इट हेल्दी? आई थिंक इट्स गुड टू हैव पब्लिक ओपिनियन. ओके. या क्योंकि वही जो सब कहते हैं फैमिली पॉलिटिक्स, लव स्टोरीज, ये वो जो देखना चाहते हैं, जो टिपिकल चीज़ें हैं, वो हम लोगों ने खुद ही से सोच लिया और खुद ही से डिसाइड कर लिया. इवन दो दी ऑडियंसेस दे वांट टू वॉच समथिंग डिफरेंट, एंड व्हेन यू लुक एट द सोशल मीडिया यू गेट टू नो कि अच्छा नहीं लोगों का टेस्ट है. हम लोगों ने बस वी आर इम्पोजिंग कुछ चीज़ें कि हाँ बस यही सास बहू देखो सास बहू देखो. दिस इज़ नॉट व्हाट आवर ऑडियंसेस वांट. एक और चीज़ जिसके बारे में बहुत डिबेट हो रही है वो ये कि 20 एपिसोड की ड्रामा होता है उसको 30 तक ले जाते हैं. यहाँ एक्चुअली इस टॉपिक पे बदर साहब और मोहसिन से भी हमारी बड़ी डिटेल में बात हुई थी एंड एक दो और डायरेक्टर्स से भी जिनके ड्रामे भी चल रहे हैं, एंड दे ऑल सेड कि प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि ये प्रेशर होता है. डंक में भी ऐसा ही कुछ होगा या इस बार इतना शोर जो हमने मचाया है उससे हम कुछ देखेंगे कि कमी आ गई है, एपिसोड्स ड्रैग नहीं है? आई डोंट थिंक डंक ड्रैग होगा. ओके. आई डोंट बिलीव सो. बट अब ये तो ऑन एयर पे ही पता चलेगा क्योंकि ऑन पेपर हमारे पास 30 एपिसोड्स अगर होती भी है डंक की 30 नहीं है. कम है? हाँ कम है. ओके ओके. तो जितनी एपिसोड्स होती हैं उससे कोई डबल ट्रिपल ही नंबर ऑन एयर जाते हैं और हमें खुद नहीं पता होता कि इस एपिसोड में क्या हो रहा है उस एपिसोड में क्या हो रहा है. ओके. टेल आवर ऑडियंसेस व्हाई शुड दे वॉच डंक? बिकॉज इट्स डिफरेंट. अच्छा ये रुलाना ही रुलाना होगा या थोड़ा हंसी मजाक भी हो रहा है हमारे लिए? कुछ रोमांस दिखाएंगे शुरू में या हमें डायरेक्टली आप लोग रोने में शुरू कराएंगे? आई डोंट थिंक सो डायरेक्टली रोने पे आएंगे. हाँ नहीं ऐसा कुछ. वैसे आपने बहुत अभी शादी वादी के कपड़े पहने हुए हैं तो ये सीन क्या कुछ शादी वादी का सीन इवेंट हो रहा है आज डंक के सेट पे? ओके. ढोलकी एंड ऑल दैट तो आपकी है किसकी है या आप पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें? मैं पार्टिसिपेट कर रही हूं. बाय द वे इट लुक्स सो लवली, दिस कलर इज रियली सूटिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अजीका. अब आप इतना डिटेल में तो बता नहीं रही हैं कैरेक्टर तो मुझे भी और समझ नहीं आ रही ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं क्या पूछूं. लेकिन आप हमारे स्टूडियो आएंगी जब इंशाल्लाह डंक ऑन एयर हो जाएगा और तब हम डिटेल में गप लगाएंगे अजीका से उनके कैरेक्टर के बारे में. फिर मैं रेड सीट पे हॉट सीट पे इनको बिठाऊंगी और फिर पूछूंगी कि ये क्यों किया वो क्यों किया. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इट्स ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू गाइस, यू एंड फराह, बोथ ऑफ यू. Farah is behind the camera today. Yeah, she is. Yeah. Thank you so much. मुझे पता था आप लोग आ रहे हैं. Yeah.